बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार डिज़र्ट बनाने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक कप चीनी ले लें और उसको कुल्ले से बर्तन में डाल लें और इसको हल्की आंच पर पकाएं। अब ये देखते जाए, इसके जो साइड पे आंच नहीं जा रही हो तो आप बर्तन की साइड को चेंज कर लें, लेकिन ध्यान रहे कि ये जल ना जाए। अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होने लगी है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो जाए, लेकिन इसको डार्क नहीं करना वरना पूरा कैरेमल ख़राब हो जाएगा, तो आप इसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच मक्खन डाल दें। मक्खन डालने के बाद जल्दी से चमचा चलाएं, लेकिन ध्यान रहे कि हाथ जल ना जाए। अब इसमें 1 पैकेट क्रीम डाल लें, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं। क्रीम डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब ये पतला सा बैटर बन जाएगा, लेकिन डरना नहीं, ये जब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, फिर जब ये ठंडा हो जाए तो ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। अब ये देखिए हल्का हल्का गाढ़ा होने लगा है। जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए तो फिर मैं इसकी आंच बंद कर दूंगी। इसको मैंने मज़ीद गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाए तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अगर ठंडा होने के बाद आपको लगे कि ये बहुत गाढ़ा हो गया है, तो आप इसको माइक्रोवेव में 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए चलाए तो ये वापस अपने फॉर्म में आ जाएगा। अब ये देखिए, अब ये ठंडा हो गया और काफ़ी गाढ़ा भी हो गया। अब ये तैयार है। अब हम दूसरी तरफ इसके लिए कस्टर्ड बनाएंगे। कस्टर्ड के लिए सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध ले लिए, उसमें 1 कप चीनी डाल दिए और साथ में मैंने कस्टर्ड पाउडर भी 5 चम्मच डाल दिए। इन सबको एक साथ मिक्स करके मैंने चूल्हा जला दिया। अब इसको मुसलसल मिक्स करते जाए जब तक ये दूध गर्म हो जाए। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए मुसलसल इसको चमचा चलाते रहें। इसके बाद जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए, इसके बाद अब हम दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ पे हम 2 पैकेट क्रीम मैंने ले लिया, उसको अच्छे से व्हिप्ड कर लिए। ये ध्यान रहे कि नॉर्मल टेम्परेचर वाली क्रीम कभी भी व्हिप्ड नहीं होती है, इसको सबसे पहले ठंडा करना पड़ता है, उसके बाद ये बहुत जल्दी व्हिप्ड हो जाती है। इसमें मैंने कोई चीनी वगैरह नहीं डाली, बस सिर्फ सादा क्रीम मैंने डाल दी और उसको व्हिप्ड कर लिए। अब व्हिप्ड करने के बाद अब अगली बारी आती है बिस्किट। आप जो बिस्किट भी लेना चाहते हो ले लें, इसको इस तरह चूरा कर लें। और फिर इसके बाद चूरा क्यों बिस्किट को डाल दें नीचे, फिर इसके ऊपर बनानास डाल दें। बनानास भी आपकी मर्ज़ी, जितने साइज़ में भी काटने को काट के डाल दें। फिर इसके बाद आप इस पर कैरेमल डाल दें। कैरेमल डालने के बाद इसमें क्रीम डाल दें। क्रीम के बाद दोबारा आप बिस्किट्स डाल सकते हैं, ठंडा की हुई कस्टर्ड डाल दें, फिर इसके बाद इसके ऊपर दोबारा से इसी तरह लेयर बनाते जाएं। आज काफ़ी ठंड है तो इसकी वजह से कैरेमल थोड़ा थिक हो गया है। इसको दोबारा मैं गर्म करके थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में हो, ताकि डालने में आसानी हो। कुछ बचा हुआ फ्रूट कॉकटेल था मेरे पास, वो भी मैंने उसके ऊपर डाल दी। अब मैंने अलग से
एक बड़े सर्विंग बाउल में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डाल ली। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाजमी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।